हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक से ही होंगे। और आप देख रहे हैं सर्मित्राम कैलाश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बीसलपुर के जस्ट बराबर एक गांव पड़ता है गजरौला। तो दोस्तों, यहीं पर कोई सांप निकला हुआ है और ये लाला जी के नाम से मशहूर है और इनका नाम जो है नत्थू लाल है। ग्राम आपका गजरौला कितने पहले देखा था आपने? आध घंटा पहले उन्होंने सांप देखा था। ना जाने कौन सा सांप है। दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में और हम देखते हैं कि कौन सा सांप है। बता रहे हैं कि सांप है लेकिन इतना मोटा बताया जा रहा है। मोटो ज्यादा ना करिए। चलिए दोस्तों, फाइनली हमें सांप मिल चुका है और इसकी जानकारी मैं आवाज से दूंगा और जो भी इसमें है मैं बताऊंगा। बन रही है हमारे वीडियो में। देख ही सकते हैं कहाँ पर बैठा हुआ है। अरे हमने पकड़ ला। अरे रवि आप देख ही सकते हैं कि इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत में इसे साइंटेड नाम नाजा दे रखा है और कहीं कहीं पर इसे लोग पलटू के नाम से जानते हैं और गेहूमान खरस के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत पड़ता है तो दोस्तों यहाँ इसे भारतीय नाग नाम से ही जानते हैं। आप देख ही सकते हैं कि दोस्तों ये नागिन है। तो हमारा उद्देश्य है इन जीव जंतु को बचाना। आज लाला जी के यहाँ पर ये सांप निकला। आज तो एक इनकी मानवता थी, जिन्होंने एक जीव जंतु बचाने का पूरा प्रयास किया। दोस्तों, इसे मारा नहीं। उसके लिए हमारा एक सलूट रहता है कि एक जीव जंतु किसी ने बचाया। पृथ्वी पर जितने भी भाई साहब शांति बनाए रखें, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं और उनको एक जीवन दान देना यानी रहना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि हमारा उद्देश्य इन जीवों को बचाना है, मारना नहीं है। कि दोस्तों, इसमें ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा के नाम से जाना जाता है। कभी होता है, कभी भी अगर ये वाइट करता है तो आप डिस्ट्रिक्ट जाइएगा, वहाँ पर एंटी वैनम अवेलेबल है। क्योंकि इसके क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट जाइए और वहाँ पर एंटी वैनम अवेलेबल है। कि दोस्तों, अगर इसके जो काटने के जो लक्षण होते हैं तो आपको हम बताते हैं कि जहाँ पर ये काटता है वहाँ पर दो ही दांत रह जाते हैं, ठीक जस्ट के बराबर में। तो समझना, इसने वैनम फेंक दिया है, वहाँ पर कालापन पड़ जाना और दोस्तों इसके आँखों से धुंधलापन दिखाई देना और जो हमारे मांसपेशियाँ उनको डैमेज करना, ये इसके लक्षण बनते हैं। कोबरा का वाइट किया हुआ इंसान दोस्तों 25 या 45 मिनट के अंतर्गत जो कोमा में चला जाता है। क्योंकि इससे काटे से दर्दनाक बहुत बड़ा हादसा भी हो जाता है।
लेकिन एक झाड़ फूंक के चक्कर में कोई भी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र इसके सामने सब कुछ फेल है। आप देख ही सकते हैं इसकी धुकार, क्योंकि जहां पर ये सांप रहते हैं सबसे पहले क्या होता है, अनाज होता है। अनाज खाने के फिराक में चूहा आ जाते हैं और चूहा खाने के फिराक में सांप आ जाते हैं। दोस्तों इनका आने का यही उद्देश्य बनता है, कभी भी सांप जानबूझकर घर नहीं आता है, एक केवल अपने भोजन के आहार में आ जाता है और कहीं कहीं पर दोस्तों मेढक को निवाला बनाता है। आज उन शख्स को मिलवाऊंगा जिन्होंने मुझे याद किया है। तो दोस्तों आज इनकी एक मानवता की एक उन्होंने मिसाल पैदा खड़ी की है, जो आज इसके सक्षम उसके बराबर में उनसे पूछूंगा इसके पकड़ाने से आपको क्या लाभ मिला और क्या हानियां मिली। दोस्तों छोटे छोटे बच्चे थे जहां पर इसने एक आशियाना अपना बनाया था, किसके चक्कर में, केवल अपने पेट के लिए कि दोस्तों ये भोजन के आहार में हमारे घरों में प्रवेश होता है। तो इसके पकड़वाने जैसे आपको कुछ लाभ मिला? हाँ, लाभ बहुत है, बहुत लाभ बता रहे हैं। और इसके रहने से? रहने बहुत नुकसान। बहुत नुकसान तो नहीं है जी, मैं जानता हूँ एक ये हमारा मित्र है, शत्रु नहीं हो सकता। शत्रुता जब बढ़ती है, जैसे हमारा अगर पैर पड़ जाए तो दोस्तों जी वाइट करता है। केवल अपने भोजन के आहार में इसकी कोई मानव जीवन से कोई शत्रुता नहीं होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं देखिए कितना जल्दी अंदर जा। दोस्तों वीडियो देखकर कॉपी नहीं कीजिएगा, हादसा आपके साथ हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।